भाइयों, टैप भी है मेरे पास में, नापते हैं, देखते हैं। भैया निशान लगाइए आप, ये हमने निशान, थोड़ा और आगे बढ़ाओ, हल्का सा आगे बढ़ाओ, बस रोको। अब यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट टाइमर में लगाने वाला हूँ, 38 सेकंड हो चुके हैं। ये 10 हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए इधर। ये 2 कितना? हाँ तो 12 फीट करीब करीब किसान भाइयों अभी चला है। राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अवेलेबल हैं महाकाल की नगरी में, तो सभी महाकाल भक्तों को जय श्री महाकाल। तो हम आ गए हैं आज फिर से कुबेर ट्रैक्टर्स आइसर, देखते हैं, चलते हैं अंदर, देखते हैं किस ट्रैक्टर का रिव्यू आपके लिए होने वाला है। तो किसान भाइयों, आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो आइसर 557 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का रिव्यू करने वाले हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये क्रीपर गियर का है। शायद आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो जिसमें हमने एक ऑनियन प्लांटर का वीडियो बनाया था, और उसमें हमने बोला था कि उसके लिए क्रीपर गियर ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब क्रीपर गियर की जरूरत पड़ेगी तो तिवारी जी आपको बताएंगे क्रीपर गियर ट्रैक्टर कौन सा आता है। तो एक ऑप्शन आपको 557 भी देता है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि आइसर के अंदर भी क्रीपर गियर आने लगा है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि आपको पता चल सके कि भैया इसके अंदर भी क्रीपर गियर आता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। वैसे हमने इसका रिव्यू 2 बार पहले और कर चुके हैं, तो अपन फटाफट इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। और सबसे मेन चीज क्या है, इसके अंदर आज हम आपको क्रीपर गियर टेस्ट करवाएंगे, देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितना फिट चलता है ये। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट इसका रिव्यू। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं नीचे और फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसके अंदर काफ़ी वजन वाला बड़ा सा बम्पर मिल जाता है, करीब करीब 80 kg का बम्पर होगा इसके अंदर। उसके बाद में अगर बात करें डिज़ाइनिंग की, तो आइसर की एज यूजुअल डिज़ाइनिंग काफ़ी शानदार आइसर का बैजिंग यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर हेडलैम्प्स काफ़ी शानदार मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे इस ट्रैक्टर को लुक को करते हैं। उसके अलावा नीचे इसके अंदर ग्रिल भी दे के रखी है, जिससे क्या हो कि ट्रैक्टर का लुक शानदार रहे और ट्रैक्टर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, हवा मिलती रहे, जिससे ट्रैक्टर आपका बहुत अच्छा चले। उसके अलावा अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, तो यहाँ पर आपको आइसर की बैजिंग मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, थोड़ा लुक और शानदार हो जाए इसलिए यहाँ पर मल्टी कलर कर दिया है। ट्रैक्टर की कलर की बात करें, सिल्वर कलर में आता है, काफ़ी शानदार लुक लगता है। येल्लो कलर की पट्टी दे दी है। 557 की गहरी बैजिंग, डायमंड बैजिंग यहाँ पर करके रखी है। उसके अलावा 5 स्टार बना के रखे हैं, प्लस यहाँ पर 12+3 क्रीपर गियर। हाईलाइट पॉइंट ये है कि आपको इसके कारण हमको रिव्यू करना पड़ रहा है, क्रीपर गियर के कारण, तो काफ़ी शानदार है। उसके अलावा आइसर कंपनी की बैजिंग के साथ यहाँ पर बैटरी रखी है। उसके अलावा अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो बात कर लेते हैं टायर साइज़ की। तो सबसे पहले आपको 750/16 का टायर, फ्रंट टायर मिलता है। उसके अलावा अगर बैक टायर की बात करें, तो आपको इसके अंदर 16/9/28 का बैक टायर मिल जाता है, जो काफ़ी शानदार है अपने सेगमेंट में। उसके अलावा बात कर लेते हैं पावर स्टेयरिंग की, तो इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग मिलता है, मतलब दोनों हाथों में ताकत इस ट्रैक्टर की जान को और बढ़ा देता है। उसके अलावा ये तो हमारा वॉक अराउंड था जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद हम इसका बोनट एक्सेस करते हैं और जानते हैं क्या है इसका इंजन, कौन सा इसके अंदर यूज़ किया गया है, कितने सिलेंडर का इंजन है। वैसे तो 3 सिलेंडर का इंजन आपको दिख रहा है, इनलाइन वॉल्व के साथ में ये आता है, और फिर भी इसका बोनट एक्सेस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको निकालता हूँ। ऑयल टाइप का फिल्टर इसके अंदर मिलता है, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसका बोनट एक्सेस करते हैं। यहाँ पर इसको डाउन किया, उस साइड भी डाउन करना पड़ेगा, और यहाँ पर काफ़ी हैवी, मतलब बोनट काफ़ी हैवी है, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। आ जाते हैं इंजन में। सबसे पहले 3 सिलेंडर इंजन, 55 हॉर्स पावर का इंजन आपको इसके अंदर मिलता है, 3300 cc का इंजन आपको इसके अंदर मिलता है, और वाल्ड्रा का इंजन आपको इसके अंदर मिलता है,
जो काफी शानदार है। और आइसर में दो तरीके का ट्रैक्टर आते हैं, एक आते हैं वाटर कूल्ड और एक आता है एयर कूल्ड, तो ये आपको वाटर कूल्ड इंजन के साथ में ट्रैक्टर आता है। करीब करीब अगर बात की जाए टॉर्क की, तो 240 प्लस न्यूटन मीटर का टॉर्क ये ट्रैक्टर जनरेट करता है, ये भी काफी शानदार है। और इनलाइन वॉल बॉस कंपनी के इन्होंने लगा के रखे हुए हैं, ये भी काफी अच्छा है। उसके अलावा नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आपको इसके अंदर मिलता है। तो किसान भाइयों, ये बात हुई हमारे इंजन के बारे में। अब हम चलते हैं बोनट पर, सीट पर। पहले इसको बंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो लगता है शायद, यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, इसको भी लगा देते हैं। सबसे हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा आज हम आपको क्रीपर गियर की टेस्टिंग करवाने वाले हैं, तो फटाफट हम पहुँचते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको डुअल क्लच का ऑप्शन मिलता है, ये भी काफी अच्छा है। ओआईबी ब्रेक आपको मिल जाते हैं, तेल में डूबे हुए ब्रेक, एक्सेलेटर यहाँ पर मिल जाता है, हैंड ब्रेक यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके अलावा टोटल गियर की बात करें तो लो और हाई में आपको, मतलब 15 गियर आपको इसके अंदर मिलते हैं। रिवर्स अलग है, हाई लो में भी चलेगा, और 12 प्लस 3 आपको 15 गियर टोटल इस सेक्टर के अंदर मिल जाते हैं। उसके अलावा क्रीपर गियर का लीवर जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है, जिस कारण हम वीडियो बना रहे हैं, और ये है यहाँ पर, अभी आपको हम चला के भी दिखाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको पॉकेट मिल जाता है, 12 वॉट का चार्जर भी इसके अंदर आपको मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। लिफ्टिंग के लिए लीवर यहाँ पर देके रखा हुआ है, उसके अलावा ऑक्स लीवर यहाँ पे देके रखा हुआ है, ऑक्सिलरी बल्ब यहाँ पर आपको दिया है। चलते हैं इसके बैक में, जानते हैं इसका लिफ्टिंग कितना है। बात करें किसान भाइयों इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो 2200 केजी का वजन आसानी से उठा सकता है ट्रैक्टर, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बात कर ले पीटीओ एचपी की, तो 49 एचपी का पीटीओ पावर इस ट्रैक्टर के अंदर मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल भी मिल जाते हैं, ये भी काफ़ी शानदार है। एक्स्ट्रा लाइटिंग के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। लाइटिंग यहाँ पर देके रखी है, यहाँ पर लाइटिंग देके रखी है, तो काफ़ी शानदार ट्रैक्टर है अपने सेगमेंट में। लुक भी काफ़ी शानदार है। उसके अलावा प्राइमा सीरीज आ चुकी है, लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द, आप तक लॉन्च हो चुकी, मतलब यहाँ पर नहीं आई है, वो यहाँ पर बहुत जल्द आने वाली है, उसका भी रिव्यू करेंगे। साइलेंसर का देखो कितना शानदार लुक कर दिया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो किसान भाइयों ये ओवरऑल रिव्यू था। सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग करवाते हैं, किस पे? क्रीपर पे। उसके बाद प्राइसिंग बताएंगे और वीडियो का अंत करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। निशान भाइयों टैप भी है मेरे पास में, नापते हैं देखते हैं। भैया निशान लगाइए आप, ये हमने निशान, थोड़ा और आगे बढ़ाओ, हल्का सा आगे बढ़ाओ, बस रोको। अब यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट टाइमर में लगाने वाला हूँ। किसान भाइयों आपके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो हम यहाँ पर स्टॉप वॉच ढूंढ लेते हैं। टाइमर क्लॉक आ गई है हमारे पास में, अब हम जा रहे हैं स्टॉप वॉच पे। जैसे ही मैं बोलूं इसे स्टार्ट करना है, 1 2 3 स्टार्ट। यहां पर देखते हैं, आप उतर आओ, देखते हैं एक मिनट में कितना चलेगा, उसका नाप के भी दिखाएंगे किसान भाइयों। पहली बार तिवारी जी की लाइफ पर आइसर 557 की टेस्टिंग क्रीपर गियर के साथ, देखते हैं कितना चलता है ये। ट्रैक्टर देखो चल रहा है, देखते हैं एक मिनट में कितना चलता है। 38 सेकंड हो चुके हैं, सेकेंड 57 बन, यहां पर एक मिनट हो चुका है। थोड़ा पीछे लगाओ,
पीछे लगाओ थोड़ा, यहाँ लगाओ, यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे। तो किसान भाइयों यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है, एक इधर हमने लगाया था, वो यहाँ पे लगाइए, सीधा यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। अब हम इसको नापते हैं टैप से कितना चला। ट्रैक्टर आप आगे बढ़ा लीजिए, खड़ा रहने दो भैया, खड़ा रहने दो, ले जाइए सर, पहले वहां जाओ और आगे जाओ, पहले उधर हम जाते हैं, ये दस हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए इधर, ये दो कितना, हाँ तो 12 फीट करीब करीब किसान भाइयों अभी चला है, रोड पर चला है, खेत पे और भी स्लो चलेगा क्योंकि रोड पे हमने टेस्टिंग की है, रोड का अलग थोड़ा सा रहता है, खेत पे खेत जैसा काम करता है तो थोड़ा और चीजें तेज चलेंगी। तो यहाँ पर 12 फीट का हमने रोड पर टेस्टिंग की है, कंपनी क्लेम करती है वो भी 11 से 12 का ही क्लेम करती है, तो हमारे टेस्टिंग में बिल्कुल सही निकला। और जो हमने मशीन का रिव्यू किया था ऑनियन प्लांटर का, उसमें भी रिक्वायरमेंट इतनी है 11 से 12, तो आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि कंपनी ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, शायद इससे बाद और भी अच्छे आपके लिए लेके आए। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में इतना ही, हाँ बात रही प्राइजिंग की, तो किसान भाइयों बात करें प्राइजिंग की, तो 8.80 से शुरुआत है, आप यहाँ पर कॉल कर लें, जितना कम करवाना है, जितना डिस्काउंट लेना है हमारे सर से ले लें, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन जो अभी प्राइस है इसकी 8.80 है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।